यार देख रहे हो रिएक्शन केटीएम के, केटीएम इधर खड़ी है और बच्चे उधर खड़े हैं, देख रहे हो, देख रहे हो रिएक्शन। अब देखो बच्चे इधर आ रहे हैं, रिएक्शन देखते हैं क्या बोलते हैं क्या नहीं। आने दो भैया। और भाई मेरे पास कोई आईफोन वगैरह तो है नहीं, गूगल का पिक्सल ही है, आईफोन का यूज़ करते नहीं हम, गरीब लोग हैं। अब तीन बार किए कोई एक बार ठीक आएगा। अरे तो ये बना कर रख लिया मैंने, ये भी बना लिया। अब तीन तो यार मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि तुमने जो है KTM की ड्यूक 390 ही क्यों ली, मार्केट में और भी ऑप्शन थे जैसे कि BMW G310RR और जॉन्टेस 350R या फिर यहाँ निंजा 300, निंजा 400, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे मेरे पास। ये बात सच है कि हाँ ये सारे ऑप्शन थे, इसके अलावा भी। और यार ये गाड़ी मैंने क्यों परचेज़ की वो आपको बताने वाला हूँ। तो यार सीधे भाई बात है कि ये गाड़ी आपको सबसे ज़्यादा दिखेगी इंस्टाग्राम्स पे, रील्स में, या फिर भाई जो भी व्लॉगर आज तक आपको मिलते हैं ना इंडिया में जो बहुत ज़्यादा जाने माने हैं, वो सब लोग भाई KTM का ही यूज़ करते हैं। और यार जो KTM के जो फ़ैन फॉलोइंग है ना, उससे अच्छी किसी भी गाड़ी की नहीं है, चाहे वो BMW हो, चाहे वो अपाची R310 हो, चाहे वो निंजा 300, 400, 600 कुछ भी हो। हाँ यार जो Z9 है उसकी अच्छी है, टेनार की अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन इन 300-400 CC की और किसी गाड़ी में ये पावर नहीं है कि भाई वो आपको ऐसा फेम दिला सके। तो यार इसीलिए मैंने इस गाड़ी को परचेज़ किया। बल्कि यार जो बाकी गाड़ियाँ थी जैसे कि अपाची R310 और BMW G310RR, वो यार इससे सस्ती थी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी मैंने उसे परचेज़ नहीं किया, मैंने परचेज़ कर लिया KTM Duke 390। और यार इसकी जो पावर फिगर है ना वो सबसे ज़्यादा है इस सेगमेंट में, मतलब भाई कोई भी गाड़ी इसके आगे टिक नहीं सकती है, चाहे वो जो भी कैटेगरी हो, चाहे वो जो भी ब्रांड हो, चाहे यार वो BMW ही हो। यार टॉप एंड आपको सेम मिल जाएगा, लेकिन यार जो ये ना थ्रॉटल का रिस्पांस वो आपको अच्छा मिलेगा। और यार निंजा भाई मैंने नहीं ली क्योंकि उसमें आपको जो है फ्रंट में मिलते हैं टेलीस्कोपिक के फोर्क, लेकिन ब्रांड यहाँ पे देता है WP Apex अपसाइड डाउन। और यार इसमें जो है स्विंग आर्म जो मिलता है वो भी मिल जाता है एलुमिनियम का, भाई यही वजह थी। बाकी यार इसका जो मीटर है 390 का वो तो आपको पता है कैसा मिलता है, डिजिटल। और यहाँ जो निंजा 300 है उसमें आपको मिलता है सेमी कंसोल, तो यार वो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं था, तो यार इसीलिए मैंने इस गाड़ी को परचेज़ कर लिया। और भाई जो गाड़ी का माइलेज है ना वो मुझे काफ़ी अच्छा मिल जाता है यार, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है भाई, काम चल जाएगा। बाकी यार गाड़ी में जो है ना कुछ कमियां हैं, जैसे कि भाई इसका जो साइलेंसर है वो आवाज़ नहीं करता, लेकिन यार अब मैं साइलेंसर चेंज भी नहीं कर सकता भाई, नियम बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके हैं। भाई मैंने साइलेंसर मंगाया भी है लेकिन यार वो मैं इसमें फ़िट नहीं करूँगा भाई, चलान बहुत लंबे, मतलब भाई जो चलान है ना वो बहुत ज़्यादा काट रहे हैं आजकल पुलिस वाले, तो यार गाड़ी का जो 10% है उस भाई हिसाब से चलान कट रहा है, मतलब वाला भाई ये गाड़ी मान लो 3.5 लाख की है तो चलाना भाई जोड़ लो 10%, आप घटा बढ़ा लो आप समझ जाओगे, तो यार साइलेंसर तो लगने से रहा। बाकी यार गाड़ी में और मैं मॉडिफिकेशन कर लूँगा। और यार इसका जो टॉप एंड है आज तक मैंने वो अचीव किया है गाड़ी से 155-160 के आसपास तक, लेकिन यार उससे ऊपर जगह ही नहीं मिलती भाई, यही एक रोड है देख लो, इसी में जो भगा लिए वरना यार भगाने से जगह मिलती नहीं है। बाकी यार इसका जो रोड गाड़ी का है ना, मतलब गाड़ी को आप चाहे जहाँ पर भी खड़ी कर दो, लोग आपकी गाड़ी को ज़रूर देखेंगे मुड़ मुड़ के, मतलब भाई आप साइलेंसर की आवाज़ मत चिल्लाओ तब भी आपको लोग देखेंगे। यार गाड़ी का जो लुक है ना वो ठीक ठाक है भाई, गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है यार। तो यार देख रहे हो रिएक्शन KTM के, KTM इधर खड़ी है और बच्चे उधर खड़े हैं, देख रहे हो, और देख रहे हो रिएक्शन KTM के। अभी एक बंदा आया पूछ रहा है भाई कोई आपका चैनल लेके आया, नमस्ते किया, लेकिन यार मैंने बताया नहीं क्योंकि यार जगह वैसी नहीं है ना, ये शहर वैसा नहीं है, तो लेकिन हाँ रिएक्शन आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे, देख रहे हो रिएक्शन। अब देखो बच्चे इधर आ रहे, रिएक्शन देखते हैं क्या बोलते हैं क्या नहीं। इसकी यार जो स्विचेस की क्वालिटी है ना, खास करके इस साइड की, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का लगता है। और यार इसका जो माइलेज है भाई, बहुत सारे कमेंट आए कि तेरी ऑडी है BMW है क्या जो 10 का माइलेज दे रही है, 2 का दे रही है, 4 का दे रही है, तो यार ये सच में मुझे 10-12 का ही माइलेज दे रही है, क्योंकि यार जो मेरा राइडिंग का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा रैश है, तो इसीलिए इसका जो माइलेज है वो मुझे तो 10 का मिल जाता है। यार मैंने फुल टैंक कराया था लेकिन यार ये जाता गई भी नहीं है, तो यही प्रॉब्लम आ रही है।
बाकी यार इसमें जो भाई अब टायर आपको मिल जाते हैं मेडलर के, जो कि नहीं मिलते थे पहले, वो अब वापस से आने लगे हैं। यार इसमें जो है ना एक प्रॉब्लम और है, गाड़ी का जो चैन ल्यूब है वो बार बार ख़त्म हो जाता है, वो तो मेरी गलती है। बाकी यार गाड़ी की जो प्रॉब्लम है वो है गाड़ी का चैन का ढीला होना बार बार। भाई इसमें मैं चैन टाइट करता हूँ हर कुछ दिन पे और वो फिर ढीली हो जाती है। मतलब यार अभी भी टाइट ही की है, फिर ढीली हो गई है। लेकिन यार चलो ठीक है, बाइक है, चैन तो टाइट ढीली होती ही रहेगी, लेकिन यार गाड़ी में जो है ना कोई कमी नहीं है। तो यार इसी वजह से मैंने इस गाड़ी को परचेज़ किया, क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी है भाई। अगर आपको बजट हो तो आप जाकर इस गाड़ी को परचेज़ कर लो भाई, गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है भाई। आपको फ्रेम भी मिल जाएगा। कुछ लोग हैं जो भाई आपको नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन आप उनकी बातों को इग्नोर करो और चुपचाप जाकर आप KTM की 390 RC ले लो, चाहे ड्यूक ले लो। तो यार इसका वैसे भी एक नया मॉडल आने वाला है, इमेजेस बहुत सारी आई गई हैं। तो यार बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो। यार जो वीडियो है ना इसे आप कर दो लाइक, और भाई जो है चैनल साथ ही आप इसे कर लो सब्सक्राइब। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।